हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम सौरभ शुक्ला, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों सेशंस ले चुका हूं। देश भर के कोने कोने के अंदर मैं विजिट कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। कमेंट में बताना आप किस शहर से हैं, मैं आपके शहर में आपसे जरूर मिलने आ रहा हूं बहुत जल्द। आज मैं बात करूंगा हमारे देश के डायनामिक लीडर, विजनरी लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी के जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए है जो हम जैसे युवा, हमारे देश के सभी नागरिक सीख सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, फिटनेस। 65 वर्ष की उम्र के अंदर भी मोदी दिन के 14 से 16 घंटे काम करते हैं, योगा करते हैं एवरीडे, सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले 1 घंटा योग के लिए देते हैं। उनकी फिटनेस बताती है, यदि आप 65 वर्ष की उम्र के अंदर 14 से 16 घंटे काम कर सकते हो अपने ऊपर ध्यान दे करके, तो यकीनन आप इस एज ग्रुप के अंदर, इस 19, 20, 21, 22, 23 साल की उम्र के अंदर आप बड़े कारनामे कर सकते हो। ये चीज आप उनसे सीख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, बोलने की कला। मोदी बोलने में इतने माहिर हैं कि उनको सुनने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। न्यूज चैनल्स में जब उनके भाषण आते हैं, लोग उसको सुनते ही रह जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में वही इंसान सक्सेसफुल है जो बोलने की कला जानता है। जीतने की कला वही जानता है जो बोलने की कला जानता है। इसलिए बोलने की शैली डेवलप करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, बातें इस तरीके से डिलीवर करें कि एक इंसान के दिल तक घर करें, एक्सप्रेशंस के साथ करें। यकीनन ये नरेंद्र मोदी के अंदर ये क्वालिटी है जिस वजह से वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन पाए। नेक्स्ट थिंग, दृढ़ संकल्प। जरा सोचिए, मोदी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार के अंदर हुआ था जहां पर वो चाय बेचा करते थे। छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। कितनी मुसीबतें आई होंगी, आज आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, जॉब करने चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, छोटी छोटी चीजें करने लगते हैं, कई बार आप हताश हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जिसने चाय बेचने से लेकर आज इतना बड़ा सफर तय कर लिया, प्रधानमंत्री तक का सफर, जरा सोचिए न जाने कितनी ही तकलीफों से उनको गुजरना पड़ा होगा, लेकिन वो दृढ़ संकल्प था जो उनके विश्वास को मजबूत बना रहा था। नेक्स्ट थिंग, अनुशासन। यदि शासन करना है तो अनुशासन में रहना पड़ता है, और ये नरेंद्र मोदी हमें सिखाते हैं। कहते हैं जब से उन्होंने कारोबार संभाला है, लोग टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, वो अपने खान पान की शैली के बारे में भी बहुत ध्यान रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, यदि जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है, अलग करना है, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, मोदी जी हमें सिखाते हैं। नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजी से असीम प्रेम। यस माय डियर फ्रेंड, नरेंद्र मोदी जी अपना ट्विटर खुद चलाते हैं, इंस्टाग्राम खुद चलाते हैं, फेसबुक खुद चलाते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं। यस, टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से। यस माय डियर फ्रेंड, यदि आज इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, वहां से आप अपने आप को प्रसिद्ध कर सकते हैं जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सो डिजिटल इंडिया को समझिए, मोदी जी सिखाते हैं। नेक्स्ट थिंग, विनम्र स्वभाव। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में आप देखेंगे, जब इस बार भी वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अपनी मां के पास आशीर्वाद लेने गए, आडवाणी जी के घर पर आशीर्वाद लेने गए, और जब भी स्वच्छ भारत का मिशन होता है, खुद झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, होली दिवाली जवानों के बीच में मनाते हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। यदि आपको आसमान की ऊंचाइयों पर है तो जमीन से कनेक्ट रहना पड़ेगा, जमीन से हट गए तो नीचे गिर जाओगे, इसलिए जमीन से जुड़े रहें, नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाते हैं। बात पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और यह भी बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो फिर से लाने वाला हूं। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।